यह है सिटी ऑफ टेंपल्स महाबलीपुरम तमिलनाडु का दोस्तों सेकंड पार्ट। ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको भगवान के दर्शन भी कराऊंगा, साथ ही साथ दोस्तों एक जाइंट रॉक भी दिखाऊंगा जो हजारों साल से अपने जगह से हिला नहीं है। तो मेरे साथ वीडियो देखिए बड़े आराम से। दोस्तों ये है अपना प्यारा भारत और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल के पास है अपना ये शोर टेम्पल महाबलीपुरम वाला। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम सुबह सुबह महाबलीपुरम पहुंच गए थे, सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। दोस्तों अगर आप बोट राइडिंग भी करना चाहते हैं तो आप यहां पर बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोट राइडिंग भी कर रहे थे और साथ ही साथ बच्चे भी रेत में खेल रहे थे जो कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग वहां पर तैर रहे थे तो सोनू का भी मन किया क्यों नहीं मैं भी तैर लेता हूँ, तो वो भी समुद्र में दोस्तों तैरने चले गया था। बहुत ही मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। सुबह सुबह दोस्तों बीच में फैमिलीज भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, दोस्तों माहौल बहुत ही अच्छा था और साथ ही साथ बीच भी बहुत साफ था। अगर आप भी फ्यूचर में आएंगे तो इस बीच में दोस्तों देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि लोग बिल्कुल मस्त हैं यहाँ के और मज़ा साथ ही साथ आ रहा था और सोनू भी तैर रहा था बड़े मज़े से। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने बीच में फुल ऑन मस्ती कर लिए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मस्ती की। और एक छोटा सा मैंने ये भी लिया यहाँ से, इस बीच से फाइनली हम दोस्तों महाबलीपुरम में जो फिर मंदिर है इस मंदिर के पास आ चुके हैं। अगर आप गूगल मैप में भी देखते हैं तो आपको यही मैप यही फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं अलग अलग एंगल से लिए हुए। तो आज मैं इसी समय पर यहीं पर हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चुके हैं, अब हमें इसके अंदर जाना है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है और मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ महाबलीपुरम के लिए लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, चेन्नई वाले तो सारे महाबलीपुरम की बातें करते हैं, तो यही है मेन चीज़। तो मैं अभी आपको जाकर दिखाता हूँ। ये है महाबलीपुरम का रहस्य। तो इनके अंदर ये भगवान है, सो फ्रेंड्स महाबलीपुरम का मैं मेन मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। तो यही है वो चीज़ जो आप हर जगह फोटो वोटोज में देखते हैं। सो फ्रेंड्स यही है मेन जगह जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और आप देखिए चारों तरफ का नजारा। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। मैं आपको 360 दिखाता हूँ इसके आसपास क्या चीज़ है।
अगर आप भी फ्यूचर में आते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो इसके पीछे जो आप देख रहे हैं उसके पीछे डायरेक्ट बीच है वहां पर। दोस्तों मंदिर हमने घूम लिया है तो अभी आगे का सफर तय करना है, तो चलिए चलते हैं। और साथ ही हमने बीच भी घूमा है जो मंदिर के साथ ही था, तो चलते हैं अभी दूसरी जगह। थोड़ी दूर में हम यहाँ पर ही पहुँच गए हैं, तो ये रहा अपना इलाका पीछे में बैक साइड में। यानी भाई फोटो भाई पूरी एकदम ध्यान से है ना, द्रौपदी बात दी बात। द्रौपदी का स्विमिंग पूल देखने के लिए, तो क्या हमें स्विमिंग पूल मिलेगा जानने के लिए देखते रहिए। और स्विमिंग पूल के बदले हमें मिला क्या, मिला भाई सोनू ये। स्विमिंग पूल में ये ना आ रहा है। नहीं नहीं फाइनली हमें मिल चुका है द्रौपदी का स्विमिंग पूल। सीढ़ी चढ़ के देखते हैं इसके अंदर कितना गहरा है। द्रौपदी यहाँ ना आती थी क्या, 5 फुट में 6 फुट में? वैसे अगर इसमें पानी भर जाएगा तो मज़ा ही आएगा। तो फ्रेंड्स चलते चलते हम फाइनली यहाँ लाइट हाउस में भी आ गए, तो आपको लाइट हाउस में दिखाता हूँ अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो। ये तो मेरे को वो लग रहा है टकिसिस कासल में जो बॉल गिरते हुए आते थे। तो लाइट हाउस के टिकट का प्राइस है 20 रुपये। आपके टावर में चढ़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ से नज़ारा क्या रहेगा। यहाँ पर खाली 2 फीट सर्कुलर सीढ़ी बिना लिफ्ट के। और यहाँ पे सोनू आप ऊपर ही बना सकते हैं वीडियो। थक गए रे बाबा। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं महाबलीपुरम के ऊपर का नज़ारा बिल्कुल भयंकर ही है, ये देख सकते हैं। सो आपको हम दिखाते हैं पूरा, छोटा सा दिख रहा है ये मंदिर से भी हम होकर आए यहाँ पर, और उसी के पीछे समुद्र है जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और आप ऊपर का पूरा नज़ारा देख लीजिए कि महाबलीपुरम आने के बाद आपको कैसा लगेगा, क्या चीज़ है। सो ये है पूरा लुक यहाँ का। और सोनू भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हमको ये मिला अभी देखते देखते, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है पीछे से धक्का देके मैं गिरा देता हूँ। तो ये जो मेरे को चीज़ पत्थर जो लटक रही है देखिए कैसे, सो ये चीज़ थोड़ा अलग है, नया मस्त लगा मेरे को। आपको मैं ये जायंट रॉक के बारे में बता दूँ तो ये एक स्लोप पर सिर्फ 2 स्क्वायर फीट बेस पर टिका हुआ है, और यहाँ पर कोई आंधी आ जाए या तूफान आ जाए या भूकंप, लेकिन यह पत्थर इसी जगह इसी तरह खड़ा रहता है। हजारों साल गुजर गए पर इस जगह से हिला नहीं है। बलीपुरम आओ तो यार इस पत्थर के पास ही फोटो खिंचाओ, अच्छा लग रहा है देख के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गिरने वाला है बस।
आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।